हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे जग्स एंड मग्स, विच इज़ चैप्टर 7। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। तो सबसे पहला चैप्टर, जो सबसे पहला स्टोरी है वो है मेक एंड एन्जॉय लेमन ड्रिंक। तो इसमें हमें लेमन ड्रिंक किस तरह से बनाते हैं वो सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले लेमन ड्रिंक बनाने से पहले यू विल नीड, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। हाफ अ लेमन, एक आधा लेमन। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी सॉल्ट। वन स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच चीनी। वन ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। तो इन सब चीज़ों को आप कलेक्ट कर लो और फिर चलिए साथ में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लेमन ड्रिंक इन चीज़ों के सहारे बना सकते हैं। तो हाउ टू मेक इट, किस तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक ग्लास पानी लो, उसके बाद उस ग्लास के पानी में अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी नमक डालो। उसके बाद उसमें जो लेमन है उसे निचोड़ करके उसमें डालो और वन स्पून ऑफ शुगर जो हमने लिया था उसे डालो। और फिर इन सब चीज़ों को डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करो और फाइनली हमारा लेमन ड्रिंक तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक ग्लास पानी लिया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाला, उसके बाद उसमें जो आधा कटा हुआ लेमन था उसे निचोड़ करके हमने उसमें डाला, उसके बाद एक चम्मच चीनी हमने डाला उसमें, फिर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिलाया और फाइनली हमारा लेमन ड्रिंक तैयार हुआ। तो गेस एंड देन फाइंड आउट, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। तो क्वेश्चन है कि एक आधे लेमन से अगर हम उसे निचोड़ें तो हमें कितने ड्रॉप्स लेमन जूस मिलेंगे। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। तो अगर हाफ अ लेमन को अगर हम निचोड़ें तो उसमें से हमें लगभग 6 से 7 बूंद, 6 to 7 ड्रॉप्स लेमन जूस मिलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 to 7 ड्रॉप्स। तो आधे लेमन से हमें लगभग 6 से 7 बूंद लेमन जूस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। तो पूरे लेमन से हमें कितने ड्रॉप्स लेमन जूस मिलेंगे। तो अगर आधे लेमन से हमें 6 से 7 ड्रॉप मिल रहे हैं तो पूरे लेमन से हमें कितने ड्रॉप्स लेमन जूस मिलेंगे स्टूडेंट्स। यस, दैट इज़ करेक्ट, तकरीबन 13 to 14 ड्रॉप्स, 13 to 14 ड्रॉप्स, 13 से 14 बूंद लेमन जूस हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून। तो अगर हम इस तरह का एक स्पून लेते हैं तो इस स्पून को फिल करने के लिए कितने ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि इस तरह का अगर स्पून है, मीडियम साइज स्पून, तो उसे फिल करने के लिए लगभग 10 से 12 ड्रॉप्स के लेमन जूस, 10 टू 12 ड्रॉप्स के लेमन जूस लगेंगे इसे फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड। तो अगर हमें 6 ग्लासेस बनानी है लेमन ड्रिंक की तो हमें कितने लेमन्स चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ग्लास को बनाने के लिए हमने आधे लेमन का यूज़ किया था। तो अगर हमें 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनानी है तो हमें कितने लेमन्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक ग्लास बनाने में हमने आधे लेमन का यूज़ किया था, तो 6 ग्लास बनाने के लिए हम 6 आधे लेमन्स का यूज़ करेंगे। 6 आधे लेमन्स का मतलब होता है 3 पूरे लेमन्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 to 3 फुल लेमन्स। तो यहाँ पर कितने लेमन्स चाहिए 6 ग्लासेस बनाने में, तो 2 to 3 फुल लेमन्स।
हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक, तो 6 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए कितने स्पून्स ऑफ शुगर हमें चाहिए, तो 1 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए हमने 1 स्पून ऑफ शुगर लिया था, तो 6 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए हमें कितने स्पून ऑफ शुगर चाहिए स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली इट विल बी अराउंड 6 स्पून्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 to 6 स्पून्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। तो यह कहानी है एक विलेज फेयर की, जहाँ पर चित्रा, नजीम और अनीश ने एक लेमन ड्रिंक स्टॉल लगाया है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है, देर इज़ अ फेयर इन चित्राज विलेज। ये चित्रा है, ये अनीश है और ये उनके दोस्त नजीम हैं। तो चित्रा, अनीश और नजीम वो लोग फेयर में एक लेमन स्टॉल लगाए हैं, लेमन ड्रिंक स्टॉल। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, तो उन्होंने एक बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक बनाया है। दे यूज़ 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लासेस, तो लेमन ड्रिंक को बनाने के बाद उसे बेचने के लिए वो 2 अलग अलग साइजेस के ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं। तो चित्रा कहती है वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर ₹5। तो चित्रा ने कहा कि हम एक छोटी ग्लास ₹5 में बेचेंगे, और अनीश ने कहा लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर ₹10। तो एक बड़ी ग्लास भर के लेमन जूस हम ₹10 में बेचेंगे। तो छोटी ग्लास फॉर ₹5 एंड बड़ी ग्लास फॉर ₹10। और नजीम ने कहा ओके, तो नजीम ने कहा ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। उसके बाद अनीश गॉट अ जग, तो अनीश के पास एक इस तरह का जग है। तो ये हम देख सकते हैं एक मेला उनके गांव में लगा है और इस तरह से 3 दोस्तों ने एक स्टॉल लगाया है। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पोर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट, तो क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि इस ग्लास में अगर हमें लेमन जूस पोर करना है, तो अगर हम जग से पोर करें और अगर हम बकेट से पोर करें तो ज़्यादा आसानी किस में होगी? मतलब अगर हमें लेमन जूस इस ग्लास में भरना है तो किस तरह से हमें ज़्यादा आसानी होगी उसे भरने में, अगर हम जग से भरें या फिर अगर हम बकेट से भरें? तो इसका आंसर है कि अगर हम जग से भरेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि बकेट बहुत भारी होता है और इससे अगर हम लेमन जूस ग्लास में भरने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए अगर हम जग से भरेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट इज नजीम फाउंड दैट 2 बिग ग्लासेस फिल द जग, तो नजीम ने देखा कि 2 बड़े ग्लासेस मिल करके एक जग को भर दे रहे हैं पूरी तरह से। शबनम वॉन्ट्स टू बाई 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं वो कि हाउ मच डज शी नीड टू पे, शबनम को एक जग भर करके लेमन जूस खरीदनी है तो हाउ मच शी नीड्स टू पे। एक जग भरने के लिए हमें 2 बड़े ग्लासेस चाहिए, एक बड़े ग्लास का दाम है ₹10, तो 2 बड़े ग्लासेस इज इक्वल टू ₹20, तो यहाँ पर आंसर होगा ₹20। ओके, नेक्स्ट इज चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास, चित्रा ने देखा कि 2 छोटे ग्लास को यूज़ करके वो एक बड़े ग्लास भर सकती है। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग, तो 2 स्मॉल ग्लासेस को यूज़ करके वो एक बड़े ग्लास भर सकती है। तो क्वेश्चन है कि कितने स्मॉल ग्लासेस को यूज़ करके वो इस जग को भर पाएगी? तो 2 स्मॉल ग्लासेस को यूज़ करके वो एक बड़े ग्लास को भर रही है, और एक बड़ा और 2 बड़े ग्लासेस हमें चाहिए इस जग को फिल करने के लिए। तो टोटल कितने स्मॉल ग्लासेस हमें चाहिए स्टूडेंट्स इस जग को भरने के लिए, वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस जग को भरने के लिए हमें दो बड़े ग्लासेस चाहिए और 1 बड़े ग्लास को भरने के लिए हमें 2 स्मॉल ग्लासेस चाहिए। तो 2 बड़े ग्लासेस को भरने के लिए हमें 4 स्मॉल ग्लासेस चाहिए, और 2 बड़े ग्लासेस के सहारे हम इस जग को भर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर हमें
फोर स्मॉल ग्लासेस चाहिए। अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करें तो एक जग को भरने के लिए हमें दो बड़े ग्लासेस चाहिए और एक बड़े ग्लास को भरने के लिए हमें दो स्मॉल ग्लासेस चाहिए। तो टोटल हमें 2 × 2 फोर स्मॉल ग्लासेस चाहिए एक जग भरने के लिए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग? तो कितने स्मॉल ग्लासेस के सहारे हम इस जग को आधा भर सकते हैं? तो अब हमें इसे आधा भरना है, तो पूरा भरने के लिए हमें चार स्मॉल ग्लासेस की ज़रूरत हुई थी, तो आधा भरने के लिए हमें कितने स्मॉल ग्लासेस की ज़रूरत होगी? तो दैट विल बी इक्वल टू 2 स्मॉल ग्लासेस। और वो कैसे हुआ? तो इस पूरे जग को भरने के लिए दो बड़े ग्लासेस चाहिए, इस जग को आधा भरने के लिए हमें सिर्फ एक बड़ा ग्लास चाहिए, और इस एक बड़े ग्लास को भरने के लिए दो छोटे ग्लासेस चाहिए। तो इस जग को आधा भरने के लिए हमें 2 स्मॉल ग्लासेस चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट इज फन इन फिलिंग वेसल्स। फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल। तो आपके घर में जितने भी सारे बॉटल्स हैं, छोटे बड़े, आप उन सारे बॉटल्स को कलेक्ट करो और एक कप आप किचन से लो और आप देखो कि एक बॉटल को भरने में कितने कप्स पानी की ज़रूरत आपको पड़ रही है, और आप उसे कहीं पर लिख लो। जैसे कि अगर कोई ऐसा बॉटल है और इसे भरने में आपको 8 कप्स की ज़रूरत पड़ी, तो आप उसको कहीं पर लिख लो। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं फर्स्ट गेस एंड ट्राई इट आउट। तो पहले आप गेस करो बॉटल को देख करके कि कितने कप्स पानी ज़रूरत होनी चाहिए, और फिर एक्चुअल में देखो कि उससे ज़्यादा या उससे कम की ज़रूरत हो रही है। तो फाइनली जितने कप्स पानी की ज़रूरत हुई उसे आप यहाँ पर लिखो। उसके बाद नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप। फिर उसी कप के सहारे एक दूसरा बॉटल उठाओ, पहले गेस करो कि उस बॉटल, जो नया बॉटल है, उसे भरने में कितने कप्स पानी की ज़रूरत होगी, और फिर आप भर करके देखो कि एक्चुअल में कितने कप्स पानी की ज़रूरत हुई, और फिर जितने कप्स पानी की ज़रूरत हुई उसे काउंट करके फिर यहाँ पर आप उसे लिख लो। उसके बाद एक और बॉटल उठाओ और फिर आप देखो कि उस बॉटल को भी भरने में कितने कप्स पानी की ज़रूरत हुई, और तीनों में कुल मिलाकर के आप देखो कि कौन सा बॉटल सबसे कम कप्स पानी में भर गया और किस बॉटल को भरने में आपको ज़्यादा कप्स लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस बॉटल को भरने में 8 कप्स लगे और ये बॉटल अगर इस वाले बॉटल से बड़ा है तो इसको भरने में उससे ज़्यादा कप्स पानी लगेंगे, तो एज्यूम करते हैं कि 10 कप्स अराउंड। तो इस तरह से आप भरो अलग अलग बॉटल्स को और देखो कि कौन सा बॉटल है जो सबसे कम कप्स पानी में भर गया। ठीक है, इसे आप घर पर ट्राई करो। नेक्स्ट इज सुनैना एंड जसप्रीत ब्रॉट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। सुनैना और जसप्रीत ने किचन से कुछ अलग अलग तरह के वेसल्स उठाए। दे हैड अ जग, अ ग्लास, अ मग, अ पॉट एंड अ बोल। तो उनके पास एक जग था, एक ग्लास थी, एक मग थी, एक पॉट था और एक बोल था। दे फिल्ड ईच ऑफ दीज विद अ कप। और फिर उनके पास एक कप था और उस कप के सहारे, तो उन्होंने एक ही कप के सहारे इन सारे वेसल्स को भरा, और फिर हर बार जब वो भर गए तो उन्होंने काउंट करके उसे याद रखा कि इस जग को भरने में जैसे जितने कप्स लगे उसको उन्होंने यहाँ पर लिखा, फिर इस मग को भरने में उसको उन्होंने यहाँ पर लिखा। इस तरह से उन्होंने सारे वेसल्स को इस कप के सहारे भरा। गेस विच वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। तो हमें गेस करने को कह रहे हैं कि अगर हम इन वेसल्स को इस कप के सहारे भरेंगे तो कौन सा वेसल सबसे कम पानी होल्ड करेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जग सबसे बड़ा है, नहीं, ये पॉट सबसे बड़ा है, नेक्स्ट ये जग सबसे बड़ा है, उसके बाद ये मग, उसके बाद ये ग्लास, और ये बोल सबसे छोटा है। तो ये बोल सबसे कम पानी होल्ड करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोल।
विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर? तो स्टूडेंट्स आप बताओ कि इन वेसल्स में से कौन सा वेसल सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करेगा? तो दैट इज़ करेक्ट, ये पॉट। ये पॉट इन वेसल्स में सबसे बड़ा है, इसलिए ये पॉट सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, तो इसका आंसर होगा पॉट। नेक्स्ट इज, नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन। आप अपने किचन में जाओ और इस तरह की कुछ अलग अलग वेसल्स कलेक्ट करो। यूज़ द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम। एक कप उठाओ अपने किचन से और उस कप को यूज़ करके जितने भी सारे वेसल्स आपने उठाए उन सबको भरो। काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड। उसके बाद जैसे आपने अगर इस तरह की कुछ वेसल्स ली हैं तो आप उस कप के सहारे हर एक वेसल को भरो, जैसे जग को भरो, और देखो कि कितना कप पानी लगा उस जग को भरने में, उसको काउंट करके यहाँ पर लिखो। उसके बाद मग को भरो और देखो कि कितना कप पानी से वो मग भर गया, और फिर उसको यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट आप ग्लास को भरो और देखो कितने कप पानी के सहारे आपने उस ग्लास को भरा, उसको यहाँ पर लिखो। इस तरह से सारे वेसल्स को काउंट करके आप लिखो और फिर देखो कि कितने कप पानी की ज़रूरत हो रही है हर एक वेसल को भरने में। नेक्स्ट इज, फर्स्ट गेस एंड देन डू इट। तो हमें फिर गेस करना है और करना है। तो आपने जितने भी वेसल्स लिए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने किचन से बोल उठाया और फिर इस कप के सहारे आपने उस बोल को भरा, तो आप काउंट करके लिखो यहाँ पर कि कितने कप्स ऑफ वाटर के सहारे आपने उस बोल को भरा। तो जनरली एक बोल होता है जो छोटा साइज़ का होता है, वो 3 से 4 कप में भर जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 to 4 कप्स। आप घर पर ट्राई करो, आपका नंबर इससे अलग हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल हो सकता है छोटा हो, बट जो भी आपका आंसर होगा वो यहाँ पर आप लिखना। 3 to 4 नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसी तरह से आप और भी वेसल्स को उठाओ, जैसे कि जग, मग और पॉट, इस तरह के वेसल्स को उठाओ और एक कप के सहारे उनमें पानी भरो, काउंट करो, और फिर यहाँ पर जैसे जग है तो यहाँ पर आप लिखो जग, और फिर देखो कि कितने कप्स वाटर के सहारे आपने उस जग को भरा, और उसका काउंट यहाँ पर आप लिखो। वो लगभग लगभग 8 से 10 के बीच में आएगा, जितना भी नंबर आएगा आप यहाँ पर लिखना, और ये एज अ होमवर्क आप घर पर करना। नेक्स्ट इज, रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। तो ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं और हमें उन वेसल्स को सर्कल करना है जो ज़्यादा पानी होल्ड करेंगे, यानी कि जो ज़्यादा पानी कंटेन करेंगे, जो ज़्यादा पानी अपने अंदर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सर्कल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक मग है और ये एक बकेट है। बकेट को हम लोग बाल्टी बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक बाल्टी है और ये एक मग है। तो इन दोनों में से कौन सा वेसल ज़्यादा पानी होल्ड करेगा? ये ऑब्वियस है कि बकेट ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। नेक्स्ट इज़, ये एक मग है, ये एक कप है और ये एक प्लेट है। तो इन दोनों में से ज़्यादा पानी कौन होल्ड करेगा स्टूडेंट्स? करेक्ट, कप। नेक्स्ट, ये एक बड़े साइज़ का पॉट है और ये एक छोटे साइज़ का पॉट है। तो इन दोनों में कौन सा वेसल ज़्यादा पानी होल्ड करेगा? वो ये वाला। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के हम देख सकते हैं पॉट्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक पॉट है, ये एक जग है, ये एक मग है। तो जो पॉट्स होते हैं उनके साइजेस अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते थे कि यहाँ पर ये पॉट्स थे, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये भी पॉट्स हैं, बट ये पॉट बहुत ही छोटा है और ये पॉट थोड़ा बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सा वेसल ज़्यादा पानी होल्ड करेगा? तो दैट विल बी दिस वन। नेक्स्ट स्टोरी है रानी एंड द मिल्क मैन की। अनिल इज़ अ मिल्क मैन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रानी है और ये अनिल है जो दूध वाला है, जो दूध लेकर के आता है। तो अनिल इज़ अ मिल्क मैन, ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज़ हाउस एवरी डे। तो वो हर दिन रानी के घर पर आता है और हर दिन सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब हर दिन इक्वल मिल्क रानी को देता है। तो अनिल जो कि एक दूध वाला है, वो रोज़ रानी के घर पर दूध देता है और रोज़ समान मात्रा में देता है, सेम अमाउंट ऑफ मिल्क।
मतलब कि समान मात्रा में दूध देता है रानी के घर पर रोज। ही यूजेज अ मग 3 टाइम्स टू फिल रानीज मिल्क पॉट। तो रानी हमेशा दूध मिल्क पॉट में लेती है और जो अनिल है वो एक मग का यूज़ करता है 3 बार रानी के मिल्क पॉट को भरने के लिए। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। एक दिन रानी की मम्मी ने, तो रोज़ क्या होता था कि रानी की मम्मी इस तरह का एक पॉट रानी को देती थी और अनिल एक मग से 3 बार उस पॉट को भरता था। लेकिन एक दिन रानी की मम्मी ने उसे एक अलग अलग तरह का पॉट दिया जो कि कुछ इस तरह का था। एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। तो रोज़ रानी का जो पॉट था वो हमेशा पूरी तरह भर जाता था, बट जिस दिन रानी की मम्मी ने उसे कुछ इस तरह का पॉट दिया दूध लेने के लिए, तो रानी ने देखा कि वो जो पॉट था वो पूरी तरह से भरा नहीं था, वो थोड़ा सा खाली रह गया था। तो रानी ने सोचा कि टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क, ऐसा रानी को लगा। बट सवाल ये है कि डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क हेल्प हर। तो आपसे सवाल है कि क्या रानी सही सोच रही है? रानी को लग रहा है कि क्योंकि पॉट पूरा भरा नहीं था तो क्या अनिल ने रानी को कम दूध दिया? क्या रानी सही सोच रही है? तो इसका जवाब है नो, अनिल ने रानी को कम दूध नहीं दिया। अनिल हमेशा इस मग का प्रयोग करके 3 बार उस मग को 3 मग दूध रानी के पॉट में भरता है। तो इस मग का प्रयोग करके 3 मग दूध वो इस पॉट में भरता है। तो उसने फिर से 3 मग दूध इस बारी इस पॉट में भरा, लेकिन ये वाला पॉट इस बारी पूरा भर नहीं पाया क्योंकि ये वाला पॉट जो है एक्चुअल में साइज़ में बड़ा है पुराने वाले पॉट से। तो अनिल ने कम दूध नहीं दिया, पॉट बड़ा है जिसके कारण जो नया वाला पॉट है वो पुराने वाले पॉट से बड़ा है जिसके कारण नया वाला पॉट पूरी तरह से नहीं भर पाया। तो इसका आंसर है नो। हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाई एवरी डे? तो आप एक काम करो, अपनी मम्मी से जाके पूछो कि रोज़ाना वो कितने लीटर दूध खरीदती है और उसका आंसर यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज़ ट्राई योर सेल्फ, टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन। आप अपने किचन में जाओ और 5 तरह के बड़े वेसल्स उठाओ। फाइंड ऑल ऑफ देम 1 by 1, फिल ऑल ऑफ देम 1 by 1 विथ 1 जग फुल ऑफ वाटर। तो 5 अलग अलग बड़े वेसल्स किचन से उठाओ और उन सारे वेसल्स को एक एक करके 1 जग फुल ऑफ वाटर, 1 जग पानी भर के उन वेसल्स को भरने की कोशिश करो और देखो कि आप क्या होता है, आप क्या देख पाते हो। नेक्स्ट कहानी है थर्स्टी क्रो की। चिरपी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। तो ये चिरपी है एंड शी इज़ अ क्रो, शी इज़ वेरी थर्स्टी। इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। तो चिरपी को बहुत प्यास लगी थी और उसने हर तरफ देखा बट वो पानी नहीं ढूंढ पाई। सडनली इट सॉ अ पिक्चर, मटका। अचानक से उसने एक मटका देखा। व्हेन इट ट्राइड टू ड्रिंक वाटर इट फाउंड देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर। तो जब वो पानी पीने गई मटका के अंदर तो उसने देखा कि जो पानी है वो बहुत कम है उस मटके के अंदर, तो वो पानी नहीं पी पा रही थी। इट सॉ पेबल्स लाइंग नियर बाई। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने देखा कि अगल बगल में कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। इट पुट द पेबल्स इन टू द पिक्चर 1 by 1। उसने क्या किया, उन पत्थरों को एक एक करके उठाना शुरू किया और मटके के अंदर डालना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि पानी का लेवल जो है वो ऊपर उठने लगा। उसने फिर और पत्थर उठाए और उसने उस मटके के अंदर डाल दिया। धीरे धीरे पानी इतना ऊपर आ गया कि उस क्रो ने आराम से फिर पानी पिया और फिर वो वहाँ से चली गई। द वाटर केम अप
चिरपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, पानी पीने के बाद चिरपी वहां से चली गई। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिरपी? डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर केम अप? क्या आप जानना चाहते हो कि क्यों पेबल्स के डालने से या छोटे पत्थरों को डालने के बाद पानी ऊपर आ गया? तो एक एक्सरसाइज है आपके लिए। टेक टू ग्लासेस ऑफ द सेम साइज़। आप दो ग्लासेस लो सेम साइज़ के, फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर। दोनों ग्लास को आधे आधे पानी से भरो। यू हैव टू पुट टैमरिंड इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। गेस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इन। नाउ डू इट। तो सबसे पहले क्या करो, दो ग्लासेस लो, दोनों ग्लासेस को आधे आधे पानी से भरो और फिर इमली के जो सीड्स होते हैं, इमली के जो दाने होते हैं, उनको आप लो और उनमें से एक ग्लास में इमली के जो सीड्स हैं वो आप डालो और डाल करके देखो कि कितने इमली के सीड्स डालने के बाद पानी पूरी तरह से ऊपर आ गया। उसको आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज्ड। तो काउंट करने के बाद आप उसको यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट इज नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास। उसके बाद आप कुछ मार्बल्स उठाओ और फिर आप उन मार्बल्स को दूसरे वाले ग्लास में डालो और आप देखो कि कितने मार्बल्स डालने के बाद पानी पूरी तरह से ऊपर आ गया। उसको काउंट करो और फिर उसको यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज रिपीट इट विथ स्टोन्स। तो इस बारी आपको छोटे पत्थर यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट टाइम पे हमने इमली के सीड्स यूज़ करे थे, उसको काउंट करना है और जब पानी पूरी तरह से ऊपर आ जाए तो काउंट करके लिखना है कि कितने सीड्स यूज़ करे आपने कि पानी पूरी तरह से ऊपर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ग्लास में आपको मार्बल्स डालने हैं। मार्बल्स डालो और देखो कि कितने मार्बल्स डालने के बाद पानी पूरी तरह से ऊपर आ गया। उसको काउंट करो और फिर यहाँ पर लिखो। थर्ड टाइम में आपको स्टोन्स यूज़ करने हैं, तो आप इसी तरह का एक और ग्लास लो, उसको आधा पानी से भरो और फिर छोटे छोटे स्टोन्स उस पर डालो और तब तक डालो जब तक कि पानी पूरी तरह से ऊपर तक ना आ जाए। जब वो पूरी तरह ऊपर आ जाए तो आप काउंट करो कि कितने स्टोन्स आपको ज़रूरत पड़े पानी पूरी तरह ऊपर आने के लिए। नेक्स्ट उसको काउंट करके यहाँ पर लिखो। तो उसके बाद ये करने के बाद आप इसको अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इज यूजफुल। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप घर पर पता करो कि कितने मग्स और बकेट्स इन सब कामों को करने के लिए आपके घर पर ज़रूरत होती है, आपके घर के लोगों को। तो फॉर एग्जांपल टेकिंग अ बाथ, जब आप नहाते हो तो कितने मग्स या बकेट्स पानी आपको ज़रूरत होती है। तो जब भी हम नहाते हैं जनरली हमें वन बकेट ऑफ वाटर यूज होती है, मतलब वन बकेट पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वॉशिंग क्लोथ्स। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो आप घर पर पता करो तो ये लगभग टू बकेट्स ऑफ वाटर हमें ज़रूरत होती है कपड़े धोने के लिए। नेक्स्ट इज वॉशिंग यूटेंसिल्स। बर्तन धोने के लिए हमें कितने बकेट्स पानी की ज़रूरत होती है? तो बर्तन धोने के लिए हमें 1 to 2 buckets, या आप घर पर अपनी मम्मी से पूछो और आप देखो कि आपका आंसर क्या है। तो 1 to 2 buckets ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है बर्तन धोने के लिए और पानी पीने के लिए। तो पूरे दिन में आप देखो कि आप कितना पानी पीते हो, तो ये जनरली 2 to 3 mugs होता है। यहाँ पर मैं अभी 2 mugs लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज गेस एंड फाइंड आउट हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 bucket। तो आपको गेस करना है और पता करना है कि कितने मग पानी एक बकेट को भर सकती है। तो यह डिपेंड करता है बकेट के साइज़ पर। तो आप एक काम करो, आपके घर पर कोई भी बकेट है उसे उठाओ और एक मग लो और देखो कि कितने मग पानी से आप उस बकेट को पूरी तरह से भर सकते हो। तो जितने पग पानी की ज़रूरत होगी आप उसे काउंट करो और फिर उसे यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। तो कितने बकेट पानी आप यूज़ करते हो बात करने के लिए? तो जनरली वो 1 bucket होता है। तो 1 bucket पानी में हम सब नहाते हैं तो हमें दिस इज़ 1 bucket। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। तो कितने मग पानी हमें चाहिए होता है नहाने के लिए?
इसका आंसर होगा कि आप देखो कि एक बकेट पानी को भरने के लिए आपको कितने मग्स पानी की ज़रूरत हो रही है। तो एक मग उठाओ। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि नहाने के लिए हमें जनरली एक बकेट पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वन बकेट, और एक बकेट पानी को भरने के लिए कितने मग्स पानी की ज़रूरत होती है, तो वो जनरली होता है 14 to 16। अगर एक नॉर्मल बकेट है जो हम सब एक मीडियम साइज़ जो घर पर यूज़ करते हैं, तो 14 to 16 मग्स पानी की ज़रूरत होती है एक बकेट को भरने के लिए। तो नहाने के लिए हमें एक बकेट पानी की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 14 से 16 मग हमें ज़रूरत पड़ती है एक बकेट को भरने में। तो यहाँ पर होगा 14 to 16 मग्स। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून। तो एक बलून को भरने के लिए कितने पानी की ज़रूरत है, इसे आप बताओ मग्स या बकेट्स के टर्म में। तो एक बलून को भरने के लिए हमें लगभग 1 मग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू फिल अ वाटर गन पिचकारी। एक पिचकारी को भरने के लिए कितने मग पानी की ज़रूरत होती है, तो लगभग 2 मग पानी की ज़रूरत से लगभग 2 मग पानी से हम एक पिचकारी को भर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। तो ये एक कैमल है, और कैमल्स की ये खास बात होती है कि एक बार में वो 9 बकेट्स ऑफ वाटर एक बार में पानी पी सकती है। हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक एट वंस। तो क्वेश्चन है कि अगर एक कैमल 9 बकेट पानी एक बार में पी सकती है, तो 2 कैमल्स मिल करके टोटल कितना पानी पी सकेगी। तो उसका आंसर है 9 × 2 विच इज़ इक्वल टू 18 बकेट्स। तो 2 कैमल मिल करके टोटल 18 बकेट्स ऑफ वाटर एक बार में पी सकती है। तो ये है इसका आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स। मैं आशा करता हूँ आप सब ने कुछ सीखा, और अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 8 में। तो तब तक के लिए गुड बाई।